हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। सबसे पहले इसकी सिंपल से डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद एक डेटा साइंस प्रोसेस देखेंगे जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। उसके बाद देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी फील्ड होती है। तो चलते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पर। यह है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेथड्स ऑफ मैनेजिंग, स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो डेटा साइंस होता है उसका मेन गोल ये होता है कि जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वहां से यूजफुल नॉलेज को गेट करना। अब अपन देखते हैं इसकी सिंपल सी प्रोसेस कि कैसे यूजफुल डेटा को गेट किया जाता है। अब आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि डेटा साइंस की प्रोसेस कैसी होती है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं रियल वर्ल्ड। फर्स्ट ब्लॉक है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड यहाँ पर क्या होगा, अपन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे उसके, देन उसकी इन्फॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करेंगे। सेकंड ब्लॉक है रॉ डेटा कलेक्टेड, इसमें अपन इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। थर्ड ब्लॉक है डेटा इज प्रोसेस्ड, जो रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करेंगे और जो भी डेटा रहेगा उसे अलग अलग डेटा जो रहता है उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे डिजायर्ड फॉर्मेट में। उसके बाद क्या होगा, जो डेटा को है उसको क्लीन करेंगे, जो भी डेटा सेट है उनको क्लीन करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो अननेसेसरी डेटा उसको अपन को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसमें क्या करेंगे अपन डेटा को एनालिसिस करेंगे। ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, इसमें डिफिकल्टी आती है। इसमें क्या करेंगे अपन पैटर्न को फाइंड करेंगे क्योंकि डेटा के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो मॉडल होते हैं अपन इसके बाद उसके मॉडल बनाएंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे एल्गोरिथम के थ्रू। एल्गोरिथम्स भी बनती है, एल्गोरिथम में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज करके अपन प्रिडिक्शन के लिए एल्गोरिथम बनाते हैं। देन और जो भी मॉडल तैयार कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसे डेटा को प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। डेटा प्रोडक्ट जो है उसके बाद वो आउटपुट मिल जाएगा। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है डेटा प्रोडक्शन तो वहीं सॉल्व कर दी जाती है। अब बात करते हैं डेटा साइंस की फील्ड्स की। मोस्ट कॉमनली फील्ड होती है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुलाइजेशन, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग और भी बहुत सारी होती है। सो गाइस, अगर पूरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।